फैसला लीजिए। गाड़ी संख्या 04217 वाराणसी लखनऊ वाराणसी। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट में। तो आज हम आप सभी साथियों को पुनः देखिए 04217 ट्रेन मेमू पैसेंजर से सागर जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का देखिए डबल जो अपडेट है वो दिखाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। इसके पहले आप लोग देखे होंगे जौनपुर से सागंज तक, तो आज हम देखिए सागंज से अकबरपुर तक देखिए अपडेट देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस अपडेट में बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, कंटिन्यू अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और आ रही हमारी ट्रेन 04217 वाराणसी चलकर लखनऊ को जाने वाली मेमू एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। तो साथियों देखिए सामने ट्रेन आ चुकी है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है ट्रेन। चलिए ट्रेन के अंदर बैठते हैं और देखते हैं भीड़ कितनी है और आज सीट मिलती है नहीं बैठने को। फिलहाल उस दिन पंखा नहीं चल रहा था, आज देखते हैं क्या व्यवस्था है। और ट्रेन के अंदर बैठते हैं, काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रहा है जौनपुर जंक्शन पे। तो काफ़ी भीड़ है साथियों, तो चलिए बैठते हैं अंदर ट्रेन के। देखिए ट्रेन के अंदर काफ़ी भीड़ है, आप देख पा रहे होंगे। साथियों कितनी भीड़ है इस ट्रेन में 04217 में, देख पा रहे हैं पैसेंजर लोग एक बोगी से दूसरे बोगी देखिए जा रहे हैं और काफ़ी लोग खड़े हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी लोग जो झूला लगा उसके सहारे लोग पकड़ के खड़े हुए हैं और काफ़ी यात्री देखिए पीछे से आ रहे हैं बोगी से। और ट्रेन का सिग्नल मिल चुका है जौनपुर जंक्शन से, तो जौनपुर जंक्शन से सिग्नल मिल चुका है और सागंज जंक्शन पे देखिए नेक्स्ट स्टॉप इसका सागंज जंक्शन है और काफ़ी भीड़ है इस ट्रेन में। तो अभी ठीक इस ट्रेन के पीछे गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 13307 है, धनबाद से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली गंगा सतलज। और सामने देखिए जौनपुर जंक्शन पर रिमॉडलिंग कार प्रगति पर, काफ़ी धीरे गति से काम चल रहा है जौनपुर जंक्शन। और यह प्लेटफॉर्म देखिए काफ़ी देखिए पूरा बैठ कर हटा दिया गया है और जो मजदूर हैं उनको आने जाने दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल सामने फुट ओवर ब्रिज है, लास्ट फुट ओवर ब्रिज यानी दूसरा फुट ओवर ब्रिज जो नया बन रहा है उस पर भी देखिए काम चल रहा है। इधर सीढ़ियों पे पूरा आप देख पा रहे हैं सेटिंग लग चुका है लोहे का पूरा। तो चलिए सागंज जंक्शन से हम शुरू करते हैं आज का जर्नी ब्लॉग। तो इस जर्नी ब्लॉग को आप प्यार और सपोर्ट दीजिएगा सागंज जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का। चलिए कंटिन्यू वीडियो बने आप लोग। तो देख पा रहे होंगे सागंज जंक्शन से ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है नेक्स्ट स्टॉप अकबरपुर के लिए। तो सागंज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखिए ट्रेन लगी हुई थी आज भी, इसके पहले भी ट्रेन आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी थी। तो दिखा दें कि अंदर की भीड़ अभी कम हो चुकी है, भीड़ में जो संख्या है वो कम हो चुकी है, पिछले भी दिनों आप देख पा रहे हैं भीड़ कम है। तो सागंज जंक्शन से अपडेट है जो जर्नी है उसको हम आप सभी दिखाते हैं। फिलहाल भीड़ अब देख पा रहे हैं प्रकार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको दिख रही होगी और सामने फुट ओवर ब्रिज है, मात्र एक नया फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार होने वाला है सागंज जंक्शन पे। तो चलिए आप सभी लोग आज इस जर्नी ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, अपना प्यार सपोर्ट इस भाई जरूर बनाइएगा और आज धूप और ज़्यादा कड़ी है साथियों। चलिए फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार का वहाँ पे देखिए ट्रैक पे काम चल रहा है सागंज जंक्शन के ठीक आगे जाएंगे
और उधर देखिए इलेक्ट्रिक का भी काम चल रहा था। आप सामने जो देख पा रहे होंगे सामने इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, इसका पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे सागर जंक्शन से। और यहाँ पे भी देखिए ट्रैक पे भी कार चल रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो ये सागर जंक्शन के आगे का नज़ारा है और सामने वाला जो आप लाइन देख रहे हैं वो आजमगढ़ का रेल मार्ग है। और सामने देखिए ट्रैक पे कुछ प्रकार का काम होता हुआ आप देख पा रहे हैं उधर। तो सामने कार हो रहा है ट्रैक पे। तो चलिए कंटिन्यू, आप लोग वीडियो बने रहिए। तो सागर जंक्शन का ये देखो पूरा आउटर है, यानी अयोध्या वाली लाइन पे हैं अभी हम हैं। सामने देखे लाइन कट गया है। तो चलिए साथियों वीडियो में बने रहिए, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। सामने देखिए इस वाले ट्रैक पे भी देखिए काम चल रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं इधर। ट्रैक पे कुछ प्रकार का इंटरलॉकिंग होता हुआ जैसा कि आप देख रहे होंगे। काम काफ़ी जोरों से रेलवे की ओर से चल रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं रेलवे क्रॉस पूरे देखिए ये ध्वस्त कर दिया गया है बिल्डिंग, अभी काम चल रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पूरा उसको बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया गया है जगह जगह आप देख रहे होंगे। यहाँ तक पूरा देखिए रेलवे की ओर से पूरा ध्वस्त किया गया है बिल्डिंग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब क्या बनाना है इस पर रेलवे पूरा जिम्मेदारी लेगा और ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी हैं। तो सागर से ट्रेन निकली है और अभी उधर भी आप देखेंगे जौनपुर से सागर के बीच काफ़ी तेज रफ्तार में ही ट्रेन आई है जो सागर पहुंची है। ट्रेन मात्र रुक लग रहा है 25 से 30 मिनट लगा होगा। तेज रफ्तार से मेमू एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चल रही है और 9:20 तक देखिए यह ट्रेन अंकलपुर जंक्शन छोड़ देगी। काफी तेज रफ्तार से चल रही है। जो बचपना है साथियों बता दें कि जो लोग करते हैं ना कि बच्चे लोग करते हैं बाय बाय टाटा, तो आज भी लोग देखिए अपना बचपना लोग याद रखते हैं। ओवर देखिए नदी जाता हुआ तो बिलवाई स्टेशन अब से कुछ ही समय में बिलवाई स्टेशन आने वाला है, उसका हम व्यू दिखाएंगे आप सभी साथियों। तो तुलसी नगर स्टेशन देखिए बिलवाई रेलवे स्टेशन क्रॉस करता हुआ और बिलवाई रेलवे स्टेशन को बता दें कि रिमॉडलिंग चल रहा है। बिलवाई रेलवे स्टेशन पे रिमॉडलिंग चल रहा है जैसे कि हम देख रहे हैं। उधर बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। यहाँ देखिए फुटओवर ब्रिज रेडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए 3 सेट के लिए ये पूरा देखिए बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया गया है। आगे हम दिखाते हैं आप सभी को साथियों को। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रकार के यहाँ पे हैं और कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं जैसा हम देख रहे हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मेमू एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रेन में लोग कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं, पीछे भी आप देख रहे होंगे। तो ठीक पीछे
से एक ट्रेन और गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है, तो काफ़ी लोग उस ट्रेन से भी आएंगे। अयोध्या जाने वाले यात्रियों की कुछ ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए पूरा हम भी आप सबको दिखाएँगे अकबरपुर जंक्शन तक। तो साथियों बिलवाई स्टेशन के ठीक आगे तुलसी नगर रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी रिमॉडलिंग कार्य अभी कुछ पहले चल रहा था, अभी भी यहाँ पे कार्य अधूरा है। जैसे कि बता दें कि चुनाव होने की वजह से तो तुलसी नगर पे काम अभी अधूरा है और मात्र एक फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर अभी बन के तैयार हुआ है कुछ महीनों पहले। अब यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म पर रिमॉडलिंग कार्य अभी नहीं हुआ है, सामने देखिए प्लेटफॉर्म पे पूरा देखिए पत्थर उत्थर लग चुके हैं जैसा कि हम देख रहे होंगे, और हमको लग रहा है कि आगे सिग्नल नहीं है, आगे ट्रेन लगता है आ रही है इसलिए सिग्नल नहीं है। तो चलिए सामने आप देख पा रहे हैं तुलसीपुर रेलवे स्टेशन का किस प्रकार का व्यू, और धूप प्रचंड धूप है। करीब 5 मिनट का स्टॉप यहाँ पे तुलसी नगर रेलवे स्टेशन पे था, हमको लग रहा सिग्नल नहीं था तो इसीलिए 5 मिनट का स्टॉप, 5 से 10 मिनट स्टॉप यहाँ पे था। तो चलिए निकल चुकी है हमारी ट्रेन तुलसी नगर रेलवे स्टेशन से, जो अगला स्टॉप है साथियों वो मालीपुर रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ का भी पूरा व्यू दिखाएंगे हम आप सभी को। साथियों बात कर लें आज जो स्पीड चल रही है ट्रेन की वो है 72, अभी प्रेजेंट टाइम देखिए 72 की स्पीड से चल रही है, और टिक देखिए अभी आने वाला है मालीपुर रेलवे स्टेशन, देख पा रहे हैं मालीपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है। चलिए काफ़ी दिनों के बाद आप सभी को हम अकबरपुर जंक्शन का पूरा अपडेट देने वाले हैं, फुल अपडेट। काफ़ी डिमांड भी आ रही थी, काफ़ी आप लोगों की कमेंट ये आ रही थी कि भैया अकबरपुर जंक्शन का अपडेट देने का, तो आज काफ़ी दिनों बाद अकबरपुर जंक्शन का अपडेट आप सभी के लिए हम आज लेकर आने वाले हैं। फिलहाल आप जर्नी ब्लॉग देखिएगा, फिर उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो पूरा अकबरपुर जंक्शन का फुल अपडेट रहेगा। तो चलिए साथी जर्नी ब्लॉग को आप लोग प्यार सब तो भी साथ ही देखिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है कोई, अब देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। तो लग रहा है कोई मेल ट्रेन है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। साथ ही काफ़ी धीरे गति से देखिए ट्रेन आ रही है, धीरे धीरे सागंज की ओर बढ़ रही है, और साबरमती एक्सप्रेस जो कि काफ़ी लेट है आज करीब 2.5 से 3 घंटे ये ट्रेन लेट है, तो ये जा रही है वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस। फिर एक बार पुनः देखिए ट्रेन हमारी रुक चुकी है सिग्नल नहीं होने के कारण, रेड सिग्नल होने के कारण साबरमती एक्सप्रेस देखिए ट्रेन जा रही है, अहमदाबाद से चली है वाराणसी को जा रही है। कड़ी धूप में काफ़ी यात्रीगण मतलब वो हो जाते हैं ट्रेन लेट होने के कारण, हालत गंभीर हो जाती है। तो आगे का व्यू दिखाते हैं, मालीपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है उसका व्यू दिखाते हैं आप सभी को, तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल मालीपुर रेलवे स्टेशन आ रहा है, हम आपको दिखा दें ठीक बगल में रेलवे ट्रैक भी है मालीपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले, तो काफ़ी व्यस्ततम यह भी रेलवे ट्रैक है जैसा कि पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार की भीड़ मालीपुर रेलवे स्टेशन पे, और सामने देखिए अभी भी काफ़ी धीरे गति से रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है पूरा देखिए इसको ध्वस्त किया गया है जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है, शौचालय बनाया जा रहा है, और देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है, देखिए इस प्रकार का आगे का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त किया गया है। मालीपुर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है, यानी बीच वाले ट्रैक पे रुकी हुई है, मेन ट्रैक पे रुकी हुई है ट्रेन।
काफ़ी यात्री चढ़ भी रहे हैं। और बता दें कि नया फुट ओवर ब्रिज मालिकपुर रेलवे स्टेशन से बन के तैयार हो गया है, हम आपको दिखा दें। और सामने देखिए नई बिल्डिंग के ठीक इधर यानी प्लेटफॉर्म एक पर उस प्रकार का रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है, आपको दिखा दें। अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही, इस पर ट्रैक अभी बिछाया नहीं गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गिट्टी पूरा बिछाया गया है। अभी रेल की पटरियाँ इस पर बिछेंगी। तो सामने नई बिल्डिंग मालिकपुर रेलवे स्टेशन का नई बिल्डिंग। तो सामने आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो, अभी देखिए उधर पूरा बैरिकेड नहीं किया गया है। ट्रेन निकल चुकी है मालिकपुर रेलवे स्टेशन से, जो अगला हमारा जो आने वाला स्टॉप है वो है अकबरपुर जंक्शन, यहाँ पर हमारा जो जर्नी ब्लॉग है वो एंड हो जाएगा। और सागर जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन तक का अपडेट भी आप सभी को इस वीडियो में मिल गया है। तो आप लोग अभी वीडियो को एंड मत करिएगा, मतलब वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं। और यहाँ देखिए ट्रैक बिछाने के लिए पूरा गिट्टी भी बिछा दिया गया है, ये लुक नाइन रहेगा साथियों। अभी इसके बाद जाफरगंज रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद अकबर। तो सामने साथियों देखिए अभी आ रही है जाफर के रेलवे स्टेशन, जो आप देख पा रहे होंगे। अभी इस पर भी देखिए रिमॉडलिंग कार हो रहा था, देखिए निरीक्षण कार चल रहा है। और सामने देखिए अभी प्लेटफॉर्म नंबर दो पूरा बना नहीं है, देखिए आप देख पा रहे होंगे सामने प्लेटफॉर्म नंबर दो को रिमॉडलिंग कार चल रहा है। छोटे छोटे टीन सेट लगे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं जाफर के रेलवे स्टेशन। और एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, देखिए एक सज्जन पानी भर रहे हैं। और एक फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे देखिए पानी का बूथ, और एक टीन शेड लगा हुआ है बड़ा पर्याप्त, मतलब छोटे स्टेशन के अनुसार टीन शेड काफ़ी सही है। और बैठने के लिए पर्याप्त सीट भी लगाई गई है। और करीब 20 मिनट के बाद देखिए हमारी ट्रेन जो सिग्नल मिली है 0:42 को, आगे मालगाड़ी जाने के कारण हमारी ट्रेन देखिए 20 मिनट यहाँ पे रुकी, करीब 15 मिनट तो रुकी हुई है कम से कम। तो जाफरगंज रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकली है। अब जो हमारा अगला आने वाला स्टॉप है, लास्ट स्टॉप है अकबरपुर जंक्शन। बता दें साथियों टोंसर रेलवे ब्रिज देखिए आने वाला है, आपको दिखाएंगे टोंसर रेलवे ब्रिज का व्यू। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग, ये जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग है यानी अकबरपुर जलालपुर रेलवे फाटक है। जो स्पीड है यहाँ पे 30 की स्पीड मानी जा रही है, और 500 मीटर की दूरी यहाँ से है टोंस रेलवे ब्रिज की, जैसा कि बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हर जितने भी ब्रिज हैं, गोमती नदी ब्रिज या जो भी बड़े ब्रिज हैं,
तो उनके पूर्व पूरा दर्शाया जाता है कितने किलोमीटर से लग जाती क्लियर। यहाँ पे काम अभी बाकी है कुछ, जैसे कि देख रहे होंगे ईटा पूरा बिछाए गए हैं। तो टोंसर रेलवे ब्रिज के पहले का ये नज़ारा है जो आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी स्पेस है, यानी उस ट्रैक से इस ट्रैक के बीच काफ़ी स्पेस आपको दिख रहा होगा। और टोंसर रेलवे ब्रिज हमारी ट्रेन देखिए पहुँच चुकी है। बूढ़े बाबा का स्थान ये देखिए छोड़ा गया है, काफ़ी प्राचीन काफ़ी सिद्ध हैं बूढ़े बाबा। टोंसर रेलवे ब्रिज देखिए ब्रिज शुरू हो गया है टोंसर रेलवे ब्रिज का, अभी भी काम देखिए बाकी है, अभी बिल्डिंग वल्डिंग भी देखिए हो रहा है, जो नया वाला ब्रिज बना है अभी इस पर बिल्डिंग वल्डिंग हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ काम अभी अधूरे बाकी रह गए हैं, अभी काम इस पर हो रहे हैं। सामने में देखिए पूरी पेंटिंग वेंटिंग हो गया है ब्रिज का, सिल्वर से पूरा पेंटिंग कर दिया गया है। टोंस रेलवे ब्रिज देखिए क्रॉस किए तो अकबरपुर जंक्शन आने वाला है, सामने आने वाला सीआर है, सीआर का बच्चा है। तो साथियों अकबरपुर जंक्शन देखिए आ रहा है, और उधर से व्यू दिखाते हैं आप सबको, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन लगी है। तो अकबरपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन देखने लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा आज है, और सामने देखिए होटल राजमहल। अकबरपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन देखिए फाइनल रूप से लग रही है, और यहाँ पे जर्नी ब्लॉक का एंड होगा। साथियों ऐसा नहीं विश्वास है आप सभी से, उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस आज सागर जंक्शन से अकबरपुर जंक्शन के बीच जर्नी ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट जरूर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।